नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पूरे प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाई जा रही है होली। देश में पहली बार फेसबुक, ट्विटर, गूगल और शेयरचैट समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम चुनाव के दौरान किसी खबर या विज्ञापन पर नजर रखने के लिए प्रणाली विकसित करेंगे। नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए जाएंगे और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारों की कल पटना में होगी घोषणा। रंगों का पर्व होली आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जा रही है। यह पर्व बुराई और अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। सुबह से ही सड़कों पर युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग, गुलाल और अबीर लगाकर होली का उत्सव मना रही है। पूरा प्रदेश होली के राग और फाग के खुमार में डूब गया है। जिला मुख्यालय से लेकर गांवों के हाट बाजारों में रंग और गुलाल की दुकानें भी सजी हुई हैं। अलग अलग रंग लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। होली के मौके पर विशेष रूप से गाया जाने वाला फाग गीत हर तरफ बज रहा है। उधर रात में लोगों ने होलिका दहन किया। राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री टंडन ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा है कि होली त्योहार बसंत का उत्सव है और हमारे बीच आपसी भाईचारा और आपसी सद्भावना का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि रंगों का त्योहार हमारे परिवारों और समाज में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि असत्य, अहंकार और पाखंड पर सत्य की विजय पर्व के रूप में होली का त्योहार हम मनाते आए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि होली का पर्व मनाते समय सद्भाव और भाईचारा हर हाल में कायम रखें। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। होली में असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। खासकर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। पटना एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन जगहों पर गश्ती बढ़ा दी गई है। उधर प्रशासन ने राजनीतिक दलों से कहा है कि होली के मौके पर होने वाले किसी भी तरह के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि राजधानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। लगभग 300 से अधिक मजिस्ट्रेट 23 मार्च तक तैनात रहेंगे। शराब और वाहनों की जांच के विशेष निर्देश दिए गए हैं। होली पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है। चुनाव आयोग ने होली के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। आयोग उन कार्यक्रमों पर विशेष रूप से नजर रख रहा है जहां राजनीतिक दल, नेता, पदाधिकारी या कार्यकर्ता की भूमिका होगी। आयोग ने खास तौर पर झुग्गी बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों, बड़े होटलों और फार्म हाउस जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले होली मिलन कार्यक्रमों पर खुफिया टीमों की तैनाती की है। होली के नाम पर अवैध शराब, ड्रग्स, पैसे, हथियार या किसी अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर आयोग की कड़ी नजर है। देश में पहली बार फेसबुक, ट्विटर, गूगल, शेयरचैट समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम चुनाव के दौरान किसी खबर या विज्ञापन पर नजर रखने के लिए प्रणाली विकसित करेंगे। नियमों के उल्लंघन की घटनाओं की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया माध्यमों ने स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की और राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया के माध्यमों ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञापन देने वालों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से जारी प्रमाण पत्र देना होगा। सोशल मीडिया माध्यमों तथा इंटरनेट और मोबाइल संघ ने नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को नैतिक आचार संहिता का दस्तावेज प्रस्तुत किया। ये आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया माध्यमों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संगठन सोशल मीडिया और निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय का काम करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कल पटना में की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच बातचीत के बाद महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मामला सुलझ गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि सीटों को लेकर सारे मुद्दों को सुलझा लिया गया है।
इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सीटों की घोषणा के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति में सीटों और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। उधर एनडीए के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कल होने की संभावना है। होली और अन्य छुट्टी के कारण आज से 24 मार्च तक पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज होली की और कल बिहार दिवस की छुट्टी है। शनिवार और रविवार को भी नामांकन नहीं होगा। गौरतलब है कि पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च है, जबकि दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया को सलाह दी है कि वो राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे, ताकि चुनाव के दौरान मतदाता कामकाज के आधार पर अपने प्रतिनिधि को चयन करने में सक्षम हो सके। श्री नायडू ने नई दिल्ली में कहा कि यदि मीडिया राजनेताओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करता है तो उसके आधार पर मतदाता राजनीतिक दलों से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया को आईने की तरह कार्य करना चाहिए जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो। बिहार दिवस के मौके पर कल से 24 मार्च तक राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम कल पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होगा। इसके अलावा जिला मुख्यालयों में भी बिहार दिवस के मौके पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषणा की है कि इस सत्र से 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए एक ही दस्तावेज जारी किया जाएगा। सीबीएसई की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नई व्यवस्था के अनुसार प्रमाण पत्र और अंक पत्र संयोजित होकर मिलेंगे। सरकार ने सीबीएसई के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि 12वीं कक्षा में अंक पत्र और प्रमाण पत्र के लिए अलग अलग दस्तावेज जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार से पर्यावरण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों की सुविधा के लिए 4 विभागों में सुपर स्पेशलिटी शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर रामजी प्रसाद सिंह और अधीक्षक राजीव रंजन प्रसाद ने की। शिवहर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 90 लीटर देशी शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाई जा रही है होली। देश में पहली बार फेसबुक, ट्विटर, गूगल और शेयरचैट समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम चुनाव के दौरान किसी खबर या विज्ञापन पर नजर रखने के लिए प्रणाली विकसित करेंगे। नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए जाएंगे। और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की कल पटना में होगी घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।